ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेकर हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 45 डेज तक चला गया था, जो बाद में कम होकर 30 डेज हुआ। अभी प्रेजेंटली जो रिजल्ट टाइम चल रहा है वो 15 दिन का चल रहा है, मतलब 15 डेज में रिजल्ट आने। प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी सर्विस अभी सस्पेंडेड है, स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। बट VFS की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ट्वीट किया गया उनकी तरफ से कि अभी UK का जो एप्लीकेशन लोड है वो काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज ज़्यादातर कास्ट जो है वो अगस्त में आ रहा है और जुलाई में आ रहा है और सितंबर में भी आएगा, तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाइलअप होंगी। तो इसमें जो प्रोसेस टाइम है आपका वो बढ़कर उन्होंने कहा कि 30 डेज तक जा सकता है, 30 दिन तक जा सकता है। इसको आप और मैं बीइंग अ कंसल्टेंट इसको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज यूनिवर्सिटीज ने कास्ट इशू करने और वो अपना टाइम लेंगे लेंगे। बट द गुड थिंग इज कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी के मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को ग्रेस टाइम दे रही हैं 2 से 3 वीक का अपने कोर्स की नॉर्मल स्टार्ट डेट के बाद। तो अगर ये इसी टाइम को कंटिन्यू रखते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट अपना रिजल्ट ऑन टाइम रिसीव करेगा। UKVI कोशिश कर रही है कि रिजल्ट को टाइम से ही इशू किया जाए, बट स्टिल आपकी तरफ से किसी तरह की फाइल लगाने में डिले ना हो, आपके कंसल्टेंट की तरफ से किसी तरह की फाइल लगाने की डिले ना हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपने मेडिकल्स वगैरह सब करवा के रख लें, अपने फंड्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें, अपने कास्ट के फॉर्म्स फिल करके रख लें, ताकि जैसे कास्ट लेटर आए आप अपनी एप्लीकेशन को तुरंत प्रोसीड कर सकें और अपने रिजल्ट को कम से कम समय में ले सकें। बट अगर आने वाले दिनों में किसी का रिजल्ट 15 दिन से ऊपर लेट हो तो उसको किसी तरह से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। यू विल रिसीव रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली विद इन 22-25 डेज। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जनवरी इनटेक की एडमिशन्स का एक यूनिवर्सिटी लिंकन, उसकी 31st of July है जहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। सेकंड यूनिवर्सिटी एक और, आई फॉरगॉट द नेम, उसकी 10th of August है। तो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्पीडली फिलअप हो रही हैं जनवरी की। इसका रीज़न है कि सितंबर का बहुत सारा स्टूडेंट ना चाहते हुए भी जनवरी इनटेक के लिए डेफर हो रहा है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करें। और जिन बच्चों ने जनवरी अप्लाई करना है वो ये ना सोचें कि अभी जनवरी अगले साल आएगा तो हमें लेट अप्लाई कर लेना चाहिए। ट्राई टू पुट योर एप्लीकेशन बिफोर 30th of August। 30th of September तक बहुत लिमिटेड ऑप्शन आपके पास होंगी जिनमें आप अप्लाई कर सकोगे। सो यूके में बहुत ज़्यादा रश, कनाडा की रिफ्यूज़ल के कारण, ऑस्ट्रेलिया के डिलेज के कारण सारा प्रेशर यूके के ऊपर बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली बच्चों को अपने जो डिसीजंस हैं वो टाइम से लेने होंगे। यूके आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, आप स्पाउस के साथ जा सकते, स्पाउस फुल टाइम वर्क कर सकता है, बच्चों की फ्री एजुकेशन रहती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप तभी ले सकते हैं अगर टाइम से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ब्रॉडवे आपके लिए हाजिर है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस में जो नीचे दी गई हैं वहाँ पर जाके मिल सकते हैं, अपने केसेस को चला सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।